today we'll discussing cardiogenic shock. तो उसमें आपके जवाबात भी चाहिए होंगे शॉक के हवाले से कि शॉक क्या होता है, कैसे मैनेज करते हैं, ये तमाम चीज़ें. पहले तो मुझे बताएं शॉक क्या होता है. हाउ यू डिफाइन शॉक, शॉक को डिफाइन कैसे करेंगे? इसमें आप ये माइक ले सकते हैं बात करते हुए. ये एक माइक रखा हुआ है, इस वायर आप तक जाएगी जो भी जवाब देना चाहे. जी यस सर, इट्स अ स्टेट ऑफ लो ब्लड प्रेशर्स. ठीक है. लीडिंग टू एन ऑर्गन हाइपरपरफ्यूजन. ठीक है. चलिए, बाय डेफिनेशन है कि एक ऐसी स्टेट जहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हुआ हुआ है और उसके साथ साथ परफ्यूजन भी कम, दो का कॉम्बिनेशन है. मैं एक सिनेरियो रखता हूँ आपके सामने. 50 इयर्स मेल, नोन केस ऑफ हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज विद ईएफ ऑफ 30% ऑन रूटीन मेडिकेशन. रूटीन मेडिकेशन आपको पता है हार्ट फेलियर के पेशेंट की क्या क्या होती हैं. प्रेजेंटेड विद 3 days ऑफ फीवर, वॉमिटिंग, फीलिंग स्लाइट डिजी ऑन एग्जामिनेशन, बीपी 80/50. हाउ टू प्रोसीड, क्या करेंगे? एनीवन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ही हैज गॉट फीवर. And that you can do, but you need in such patient an immediate management. Here a patient who's slightly complaining of dizziness with a BP of 80/50. So it depends if you are going to, whether it is hypovolemic shock or whether it is cardiogenic shock. What you'll do at the moment, whatever information available, what immediately you'll do? I'll give ionotropic support first. Ionotropic support first. You do an ionotropic support in this patient. Although you are acquiring a right path in a way that aapne khud hi kaha ki ye hypovolemic, agar hypovolemic hai to ionotrope kyun denge? IV fluid bhi de sakte, but he has got EF of 30%. To kya hoga? Ji. That means first you have to decide, is he in shock or not? Dizziness तो एक non-specific complaint है ना. ये कोई, अगर मैंने आपको ये feature दिए होते clinically कि इसको cold कामी skin है, mental obtundation है, और बिल्कुल वो features जो clinically match करते हों shock से, तो फिर तो आप इसमें थे कि अब management हम शुरू करेंगे. पहला स्टेप तो ये है कि शॉक है भी या नहीं. तो इसका मतलब, अभी देखें जो डेफिनेशन हमने की थी उस डेफिनेशन से आपने कोरिलेट नहीं किया क्लिनिकल कंडीशन को. डेफिनेशन थी शॉक की लो ब्लड प्रेशर विद अ स्टेट ऑफ हाइपो. तो पहला फैसला किसी भी लो ब्लड प्रेशर के मरीज में ये करना होता है कि क्या आपका मरीज इस लो ब्लड प्रेशर के साथ शॉक में भी है या नहीं है. फिर कॉज की बातें भी शुरू होंगी, लेकिन फर्स्ट तो ये है कि लो ब्लड प्रेशर इज नॉट ऑलवेज शॉक. यू हैव टू जज, यू हैव टू असेस. अच्छा, अब ये जरूर है कि शॉक स्टेट में स्टेजेस होते हैं. कभी कभार ये होता है कि प्री शॉक स्टेट होती है या एक थ्रेटनिंग शॉक स्टेट होती है, जो आप क्लिनिकली जब मरीजों को जज करेंगे तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि एक स्टेज ऐसी होती है जिस वक्त इवन प्रेशर भी ठीक लग रहा है, 100-110 लग रहा होता है, लेकिन पेशेंट जिस ट्रेंड के साथ आपको नज़र आ रहा होता है कि वो 160-170 के साथ आया था और उसके बाद अब वो जिस तरह बिहेव कर रहा है, गो के प्रेशर नंबर के हिसाब से ठीक है, लेकिन ये पेशेंट शॉक में जा सकता है. तो इसका मतलब है शॉक एक कॉम्बिनेशन है, एक सिंड्रोम इस किस्म का, जिसमें आपको क्लिनिकल जजमेंट जब तक प्रॉपर नहीं होगी आप ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि आपका मरीज शॉक में है या नहीं है. अच्छा, अब इस सिनेरियो में गो के ब्लड, आपको बहुत से ऐसे लोग कार्डियो हार्ट फेलियर के पेशेंट मिलेंगे जिनके पेशेंट सिस्टोलिक 80 होता है, 90 होता है, वो ठीक होते हैं, अप एंड अबाउट चल फिर रहे होते हैं,
तो प्रेशर 90 या 80 सिस्टोलिक होने का मतलब ये नहीं है कि मरीज शॉक में है, जब तक कि वो सारी चीज़ें उसमें मिल ना रही हों। इसका मतलब है शॉक को असेस करना क्लिनिकली पहले ज़रूरी है, फिर देखें कॉज कि शॉक की कॉज क्या है। इवन एक हार्ट फेलियर के पेशेंट में भी हाइपोवोलीमिया, सेप्टिसीमिया, एलर्जिक रिएक्शन, अदर रीजंस फॉर हाइपोटेंशन या शॉक स्टेट हो सकते हैं, वो आपको जज करना होगा। और कभी कभार ये कॉन्कॉमिटेंट दो तीन फैक्टर मिलके हो सकते हैं, तो वो भी जज करना होगा कौन सा ज़्यादा डोमिनेंट है और कौन सा थ्रेटनिंग है, तो उस हिसाब से इंसान को फिर चलना होता है। तो इन डेफिनेशन अगर हम बात करें, शॉक इज़ अ कंडीशन वेयर द परफ्यूजन ऑफ ऑर्गन्स इज टू लो टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड एंड लीड टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, यानी अल्टीमेटली वहाँ पे फिर लैक्टिक एसिडोसिस। और शॉक का पेशेंट आप डील कर रहे हैं और एबीजी कर रहे हैं और पीएच बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी डायग्नोसिस गलत है, एक और मसला है। इन अदर वर्ड्स, ब्लड फ्लो जो आप प्रेशर से डिनोट करते हैं एंड ऑक्सीजन डिलीवरी टू द बॉडी इज लो, ये दो चीज़ें कम होनी चाहिए। और इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेटर होता है यूरिन आउटपुट। अगर किसी पेशेंट का यूरिन आउटपुट सही आ रहा है तो वो शॉक में नहीं हो सकता, परफ्यूजन हो रही है, किडनी के पास अच्छा खासा ब्लड जा रहा है जिसमें से वो फिल्टर कर रहा है और आप यूरिन बना के दे रहा है, दैट मीन्स परफ्यूजन ओके है। वो जो आप आइनोट्रोप दे रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हैं, वो गैर ज़रूरी दे रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर। बाकी इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, सॉन गांस कैथेटर, वो सारी चीज़ें करके आप फैसला करते हैं कि क्या करना होता है। अभी हम आते हैं सारी बातों पर, अभी हम कहाँ पे हैं, पहले ये फैसला करना शॉक है, अभी कॉजेस पे बाद में आते हैं, ये हम ऐसे एक बात कर रहे हैं। अच्छा, शॉक को समझने के लिए ब्लड प्रेशर फिजियोलॉजी समझना ज़रूरी है, कि आपको ब्लड प्रेशर की फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। ये माइक को यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, बेसिक बातें हो रही हैं ना, ये यहाँ से आगे फिर ट्रांसफ़र होता जाएगा जी। ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाउ यू डिफाइन ब्लड प्रेशर? चलिए माइक आपने पकड़ लिया तो यहीं से बोलें। ब्लड प्रेशर, यू हैव टू कीप इट क्लोजर, ये मकसद ही यही है इस माइक का ना, आवाज़ आपकी जाए डायरेक्ट उसमें रिकॉर्ड हो जाए। जी ब्लड प्रेशर जी, सर बेसिकली इट्स द ब्लड फ्लो आर्टेरिया, जो ब्लड प्रेशर फिजियोलॉजी याद करें कि ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता था जी, कि इन इतने लोगों में से किसी को भी नहीं पता ब्लड प्रेशर क्या होता है। मीन दैट इज द मीन आर्टेरियल प्रेशर, एक्चुअली इट इज इक्वल टू आर्टेरियल प्रेशर इज अ कैटेगरी ऑफ लाइक ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट जी। कार्डियक आउटपुट खत्म नहीं होगी, कार्डियक आउटपुट इज इनटू हार्ट रेट नहीं है, सिस्टमिक आउटपुट SVR, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस SVR, कार्डियक आउटपुट एंड वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ये दोनों चीजें मिलके ब्लड प्रेशर बनाती हैं। वैस्कुलर रेजिस्टेंस हमें सबको पता है ये क्या है, नालियों में एक खास दबाव जो क्रिएट होता है ब्लड को आगे प्रोपेल करने के लिए। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम जी, कार्डियक आउटपुट है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट आपको पता है क्या होता है, दिल की धड़कन और उसकी जितनी रफ्तार चल रही है, 60 से 100 नॉर्मल होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई इसलिए मैंने कहा था, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ईच वेंट्रिकल से एक कॉन्ट्रैक्शन में जितना, एक कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं, एक कार्डियक साइकिल में, एक सिस्टली में, एक इंडिविजुअल वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकल रहा है, दिस इज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर को जो चीज़ें बना रही हैं वो क्या है, कि हार्ट से कितना वॉल्यूम आगे निकल रहा है, हार्ट किस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक मिनट में, और तीसरी चीज वेजल्स का स्टेटस क्या है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये तीन चीजें मिलके प्रेशर बनाती हैं। अच्छा, अब नॉर्मल कार्डियक आउटपुट के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए?
स्ट्रोक कार्डियक आउटपुट के लिए क्या क्या चीज़ें? स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, नहीं सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए, वो तो हो गया कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए क्या चीज़ें चाहिए? स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम चाहिए जो ब्लड है, कि हार्ट के पास इनफ ब्लड आ रहा हो पहले, एंड डायस्ट्री में जब तक ब्लड नहीं होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बनेगा कहाँ से? तो एक तो आपको एडिक्वेट वॉल्यूम चाहिए, दैट मींस ब्लड चाहिए, और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन चाहिए कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो सिस्टली में, इतना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो कि एक मिनिमम अमाउंट कम से कम 70-80 ml जितना भी स्ट्रोक वॉल्यूम बनता है उसको वो बाहर निकाल के फेंक रहा हो। तीसरी चीज रेजिस्टेंस, जी रेजिस्टेंस ही चाहिए, नॉर्मल वेल फंक्शन चाहिए, स्टेनोसिस के अलावा रिगर्जिटेशन भी ना हो तब भी वापस चला जाएगा, निकलेगा लेकिन, या निकलेगा लेकिन वहां जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो प्रॉपर वेल फंक्शनिंग, कॉन्ट्रैक्शन एंड एडिक्वेट वॉल्यूम, ये तीन चीजें जब तक नहीं होंगी प्रॉपर स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं बन सकेगा। ये पूरी जो इतनी लंबी चौड़ी जुलेखा की मैं कहानी सुना रहा हूँ ये इसलिए कि ब्लड प्रेशर जब कम होगा तो ये तमाम चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की, इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। भाई बीपी बनता जिन चीज़ों से है, अगर उनमें गड़बड़ आएगी तो बीपी, तो अब इस पे सोचना होता है कि ये बीपी जो जो चीज़ें बना रही थी, इन बनी इन तमाम चीज़ों में क्या चीज़ गड़बड़ हुई है कि बीपी कम? अब इसमें आप देख लें क्या क्या चीज़ें थी। रेजिस्टेंस मतलब टोन वेस्कुलेचर का, कोई भी ऐसी चीज़ जो वेजो डायलिटेशन कर दे एकदम से ठक करके तो बीपी, सब चीज़ें बाकी ठीक हैं इधर आ जाएं। रेट एकदम से ब्रेडी या टैकी हो गया, बाकी तमाम चीज़ें ठीक हैं बिल्कुल, तो भी शॉक हो जाएगा। अब ब्रेडी या टैकी के मरीज़ को आप आइनोट्रोप से ट्रीट कर रहे होंगे तो गलत है, वहाँ पे रिदम को ट्रीट करना होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑन्ट्रैक्शन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जज करना है कहाँ कौन सा एलिमेंट डोमिनेंट है। मिक्स भी होंगी चीज़ें कि थोड़ा वो थोड़ा वो थोड़ा वो, लेकिन ऐसा होता है कि हार्ट फेलियर 30% का पेशेंट है, एकदम से AF विद फास्ट वेंटिकुलर रेट में गया, वो भाई इसका हाइपोटेंशन AF फास्ट वेंटिकुलर रेट है, कॉन्ट्रैक्शन बेचारे का पास जितनी है वो उतनी कर पा रहा है, अब आप क्या कह रहे हैं एनोट्रोप सपोर्ट लगा रहे हैं, उससे क्या होगा रेट और बढ़ेगा और जो चल रहा था वो AF और VF में कन्वर्ट हो जाएगा, इस्कीमिया भी शुरू हो जाएगा और इसने कुछ बेनिफिट देना नहीं है मरीज को, क्योंकि वहाँ मसला ही रेट था कि जब तक आप डायस्टोलिक फिलिंग टाइम बढ़ाते नहीं पेशेंट का प्रेशर, और आपने 130 के रेट को मजीद 150 कर दिया आइनोट्रोप लगा के, यहाँ पे आप या तो AF को कार्डियोवर्ट करते या रेट को डिज से या किसी ऐसी चीज़ से स्लो करते जो हार्ट फंक्शन पे इफेक्ट ना करती हो। ठीक है, इसका मतलब है जब भी आप हाइपोटेंसिव पेशेंट, पहला स्टेप शॉक है या नहीं है क्लिनिकल जजमेंट, और साइमल्टेनियस असेसमेंट फॉर रीजन, और रीजन किस तरह, ये सारे वॉल्यूम रिदम कॉन्ट्रैक्शन वेल फंक्शन, फिर वॉल्यूम पे आ जाए तो मल्टीपल चीज़ें वॉल्यूम से रिलेटेड हैं कि वॉल्यूम कहीं से लॉस हुआ है या इनटेक कम है या और कोई वजह है, प्योर वाटर लॉस है या ब्लड लॉस, वो सारी चीज़ यानी ये पूरी एक वो वजह बनेंगी, लेकिन बैकग्राउंड सोच ये चलेगी। इस तरह से मरीज को जज करना होगा कि सबसे पहले आपने रेट देख लिया, असेस कर लिया, बैकग्राउंड हिस्ट्री। अब हम अपने मरीज पर आते हैं, जो मरीज हम बात कर रहे थे, फीवर है उसको, LV डाउन है, 30% का EF है, थोड़ी सी वॉमिटिंग भी करके आया हुआ है, यानी कोई चीज ऐसी नहीं है जो इसमें नहीं हो, ठीक है, और ऑलरेडी हार्ट फेलियर का पेशेंट है और कंप्लेन कर रहा है सिर्फ डिजीनेस, क्या करेंगे? तो आप क्या कहेंगे? असेसमेंट, बातचीत, हिस्ट्री, वार्म है, आपसे बात कर रहा है, बेशक कह रहा है मैं डिजी हूं, शॉक नहीं है, पूछा आपने कि लास्ट यूरिन का पास किया है, शॉक नहीं हो सकता। जो आप मरीज आपसे बात कर रहा हो और वार्म हो, चाहे 80 का प्रेशर हो चाहे इवन 75 का प्रेशर भी हो जाए, तो मेरे लिए वो शॉक नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इस हाइपोटेंशन की वजह ढूंढना तो फौरी तौर पे पल्स पे हाथ रखूंगा कि हार्ट रेट कैसा चल रहा है। हार्ट रेट ठीक मिल गया तो फिर आप थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड यही पूछेंगे कि कितनी वॉमिटिंग हुई है,
फिर आप अपनी क्लिनिकल जजमेंट से एक वॉल्यूम स्टेटस असेस करना होता है, वो क्या है, क्रैप्स हैं, JVP है, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगी कि इस पेशेंट का गो के EF 30% है लेकिन वॉल्यूम स्टेटस इस वक्त क्या है। वॉल्यूम ओवरलोड है तो अलग मामला होगा, आपको यूवोलेमिक भी लग रहा है तो आप फ्लूड चैलेंज दे सकते हैं, क्योंकि कोई नुकसान नहीं है, आप बस कंपार्टमेंट में चाह रहे हैं कि वो जो वॉल्यूम वाला मामला है वो इतना हो जाए कि हार्ट के पास एडिक्वेट डायस्टोलिक फिलिंग हो रही हो और आगे जा रहा हो, बस वो ओवर ना हो के कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ जाए। आईडी इसके लिए सोन गैंस कैथेटर डाला जाता है जिससे आप कैपिलरी वेज प्रेशर को एग्जैक्ट जज कर लेते हैं, जो आपको इनडायरेक्टली बता देता है कि LV एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या चल रहा है, वो अगर बॉर्डरलाइन और लो की तरफ है तो पक्का है कि ये हाइपोवोलेमिया है। अब CVP लाइन भी ये नहीं बता पाती है, CVP लाइन आपकी जुगलर वीनस प्रेशर देख रही है ना, बीच में RV आएगा, RV के बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन आएगी, एग्जैक्टली तो आपको कैपिलरी वेज प्रेशर चाहिए जो आगे बताए कि LV एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या चल रहा है, प्रोवाइडेड के पेशेंट को MS ना हो। MS होगा तो क्या होगा, LV का डायरेक्ट कम्युनिकेशन वेज प्रेशर पे नहीं हो रहा होगा, अब आप LA कम्युनिकेट कर रहा होगा क्योंकि बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है, तो कोई दरमियान में ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए, तब कैपिलरी वेज प्रेशर एग्जैक्ट एंड डायस्टोलिक प्रेशर को डिनोट करता है। अब मुझे सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होने की वजह बताएं, क्या क्या वजह हैं जिनमें सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो सकता है। मैसिव वैसोडायलेशन, उसकी क्लिनिकल वजह बताएं ना, सेप्टिसीमिया, सीवियर फल्मिनेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन, एक आध फीवर काफी नहीं होगा उसके लिए, ऐसा इन्फेक्शन जो सीवियर जिसने यानी उस ऑर्गेनिज्म में ऐसे मीडिएटर्स निकाल दिए हैं बॉडी में कि बिल्कुल वेस्कुलर टोन खत्म हो गई, एनाफिलेक्सिस, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया आपको उसमें हो जाएगा, और हो सकता है बिल्कुल न्यूरोजेनिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या इस टाइप की चीजें हो, उसमें भी विजुअल इरिटेशन हो जाएगी, और कोई इट्रोजेनिक, नाइट्रेट आपने एक्सेसिव किसी को लगा दिए, जब अभी वैसे ही वो यूवेलमिक था, इंजेसिड खिला दी, ढक करके एकदम से वेजो डायलेट हो गया, गिर पड़ेगा, और ऐसा होता है लोग घरों पे एक दो ले ली, कैपोटिन भी ले ली, धस फिर नीचे गिरे में एकदम से, तो वेजो डायल किसी भी वजह से नालियाँ खुल गई बहुत ज़्यादा, एनाफिलेक्सिस हो गया। और सिस्टेमिक वेस्कुलरेशन रेजिस्टेंस को आप कैसे पिक करते हैं, कोल्ड होने का मतलब है कि वेस्कुलर रेजिस्टेंस ओवर एग्जर्ट कर रहा है, वार्म होने का मतलब होता है शॉक के साथ के वेस्कुलर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी वेजो डायलिटेशन होगी, तो क्लासिकल कार्डियोजेनिक शॉक में वेजो जिसकी वजह से कोल्ड हो जाती है, क्योंकि बॉडी क्या कोशिश कर रही होती है, तमाम जगहों से ब्लड को निकाल के ब्रेन की परफ्यूजन को कायम करें, उसकी वजह से एक्सेसिव वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। अच्छा, ये फिर बातें हमने कर ली, हार्ट रेट के प्रॉब्लम भी जज करना कोई मुश्किल नहीं है, या तो क्लिनिकली जज कर लें या ECG कर लें या मॉनिटर पर डाल देंगे, जैसे ही मॉनिटर पर डालेंगे पता चल जाएगा कि कोई बहुत एक्सेसिव ब्रेडी या टैकी तो नहीं चल रहा, उसके हिसाब से आपको पेशेंट को एडजस्ट करना होगा। अब जो वॉल्यूमिया, ये अक्सर होते हैं कि थोड़ा सा BP कम होना या प्री शॉक स्टेट हाइपोवोलेमिया से हो जाते हैं, कभी कभार हम भी इट्रोजेनिकली बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डायरेसिस दे देते हैं, फिर साथ कॉन्कॉमिटेंट और दो चार चीज़ें हो गई, इनटेक भी कम हो गया, ये तमाम चीज़ें मिल के ये क्या ऑटोमेटिकली शुरू कर देता है, इससे तो हम दूर रहे। अब स्ट्रोक वॉल्यूम की बात आ जाए, प्रीलोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और वेल्व फंक्शन, इसका मतलब है अच्छा कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन जरूरी होता है कि आप अच्छी तरह असेस करें इन तमाम चीजों को, जिनसे आप क्लू पिक करें वॉल्यूम स्टेटस का, कोई बैकग्राउंड, बहुत से लोग विदाउट एनी प्रीएग्जिस्टिंग हिस्ट्री होते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम शॉक के साथ आपके पास पहुंच गए, अब ये जज करना होगा अगर कोई बताने वाला है कि कार्डियक प्रॉब्लम हो चुका है या नहीं हो चुका है,
नहीं तो आप आपको अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन से एपिक्स बीट वैल्व फंक्शन के लिए ऑस्कल्टेशन ईसीजी से क्लू लेना, ईसीजी आपको क्लू देती है चैम्बर एनलार्जमेंट का, ओल्ड स्कीमिया का, इन तमाम चीज़ों से फैसला करना कि भाई कोई सिग्निफिकेंट ऐसा कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी या वैल्व फंक्शन मुतासर हो, और अल्टीमेट फाइनली आपको एको करना पड़ता है इसके लिए ताकि आप फैसला कर सकें कि क्या करना है। अब हमारे पेशेंट में क्या है, जब तक हम क्लिनिकली जज नहीं करेंगे हम फैसला नहीं कर सकते। इसी पेशेंट में आप एग्जामिन करते हैं, इसके चेस्ट फुल ऑफ क्रैप्स हैं, ऑर्थोपनिया हो रहा है, उसका मतलब है वॉल्यूम तो एडिक्वेट है, और आपने एग्जामिन किया तो थोड़ा सा आपको कोल्डनेस और थोड़ी सी इरिटेबिलिटी लग रही है, तो क्या मतलब हो गया कि ज़्यादा चांसेस यही है कि ये कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है इस पेशेंट, और ये मतलब है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ जिसने कार्डियक स्टेटस को एग्रेवेट कर दिया, पेशेंट को एक्सेसिव स्ट्रेस को फील करना पड़ा इन अ वे कि वेजो कंस्ट्रिक्शन बढ़ी, वॉल्यूम और बढ़ गया, टेकिकार्डिया हुआ, और इन तमाम चीज़ों से पेशेंट, क्योंकि अभी हमने ना आपको पल्स बताई है इसकी, ना आपको रेट भी पता नहीं, हो सकता है रेट में इसको एट्रियल फिब्रिलेशन विद फास्ट वेंट्रिकुलर रेट चल रहा हो। फर्ज क्या ऐसा सिनेरियो बिल्ड करते हैं, ये पेशेंट है इसका 120 का साइनस टेकिकार्डिया चल रहा है, पेशेंट को क्रैप्स भी आ रहे हैं, थोड़ा सा कोल्ड भी है, क्या करेंगे, कैसे मैनेज करें? क्रिप्स कितने हैं सर? माइल्ड क्रिप्स तकरीबन मिड ऑफ द चेस्ट तक आ रहे हैं क्रिप्स, और ऑर्थोपनिया हो रहा है, तो फेलियर कैसे ट्रीट करेंगे? फेलियर सर फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बेड साइड एलिवेट करेंगे, जी बिल्कुल, सिचुएशन चेक करेंगे, ठीक है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेड एंड है एलिवेटेड, ठीक है, फेलियर में लग रहा है कि पेशेंट फेलियर ना कहा करें पल्मोनरी एडिमा में है, पल्मोनरी एडिमा में है, जी सैचुरेशन चेक किया, ऑक्सीजन एंड देन डायुरेसिस विद डायुरेटिक्स। डायुरेसिस पे जंप नहीं करना है, शॉक है ना, अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि शॉक पेशेंट है, शॉक में आपने जब तक कंफर्म ना हो कि परफ्यूजन हो रही है फ्यूरोसेमाइड नहीं देना है। फ्यूरोसेमाइड क्या करता है भाई? वेजोडायलेटेशन भी करता है इनिशियली, और आप किसी को भी फ्यूरोसेमाइड की एक एडिक्वेट डोज देने से पहले ये कन्फर्म करेंगे कि इसका ये स्टेटस है कि रीनल के पास यूरिन बनने के लिए ब्लड जा भी रहा है या, तो ये जज करने के बाद अगर थोड़ा बहुत थ्रेटनिंग लग रहा है फिर तो आइनोट्रोप पहले शुरू करके थोड़ा सा सिस्टोलिक प्रेशर बिल्ड करके जब वो हो जाए फिर आप प्लेस लगाएं और फिर फर्दर आप जज करते रहेंगे। अच्छा आइनोट्रोप का फैसला आप कैसे करते हैं? आइनोट्रोप भी तो बहुत तरीके के हैं ना, डोपामीन है, डब्यूटामीन है, ये दोनों आइनोट्रोप हैं, वेजोकंस्ट्रिक्टर आपके पास नॉरएडरेनालिन, यानी कॉमन जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो ये तीन चीज़ें हैं ना, नॉरएडरेनालिन, डब्यूटामीन और डोपामीन, ये तीन चीज़ें हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक जी जी। भाई कॉज ये इसमें हो गया ना, कार्डियोजेनिक है पक्की पक्की, आपने देख लिया पेशेंट थोड़ा सा वॉल्यूम ओवरलोड भी है और ये फैसला कर लिया कि आप मुझे आइनोट्रोप लगाने हैं। विच आइनोट्रोप, डोपामीन और डब्यूटामीन, किस बुनियाद पे? डब्यूटामीन कैसे फैसला कर रहे हैं आपके क्या देना है? वो तो खत्म हो गया ना, कार्डियोजेनिक हो गया पक्का पेशेंट, कार्डियोजेनिक भाई आइनोट्रोप लगाते ही कब हैं, जब ये पक्का हो गया कि कार्डियोजेनिक शॉक है, तो अब आप फैसला करने जा रहे हैं कि मैं क्या पिक करूं, नॉरएडरेनालिन, डोपामीन या डिब्यूटामीन, और जो भी पिक कर रहे हैं उसका मुझे एग्जैक्ट ये बताएं कि इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये लूं शुरू करूंगा, ये तो आप रोजाना के काम है आपके। डोपामीन और डब्यूटामीन भी आइनोट्रोप है, उसमें थोड़ा सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है डोपामीन से, वरना उसमें उसमें भी है कि वो करता है आइनोट्रोप, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है डब्यूटामीन भी।
लेकिन आपको यूज भी तो करते हैं ना, आप ड्यूबिटामिन भी तो यूज करते हैं लो प्रेशर में. वो तो आपको रेट तो चाहिए ना एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म टू टेक केयर, क्योंकि अभी हमने कहा था ना कि स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए एक एलिमेंट रेट भी है, और रेट की एक लिमिट तक बढ़ना वो मजबूरी है उसकी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इतनी नहीं है तो वो एक मिनट में ज़्यादा रेट करके स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा के और कार्डियक आउटपुट बढ़ा के और अल्टीमेटली प्रेशर बिल्ड कर रहा है. असल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. डोपामिन, डोब्यूटामिन और नॉरएड्रेनालिन, इन तीनों का यूज डिपेंडेंट है किस चीज़ पे, पेशेंट के क्लिनिकल स्टेटस पे. पेशेंट को बिल्कुल प्रेशर नहीं आ रहा, कोल्ड कुछ भी नहीं है, नॉरएड्रेनालिन. नॉरएड्रेनालिन क्या है कि पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है. क्या करता है, फौरी तौर पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट करके इतना कुछ वॉल्यूम, ये सब कुछ आइनोट्रोप इतना अच्छा नहीं है, सब पहुंचा रहा है कि जल्दी से हार्ट तक पहुंच जाए. पेरिफ्री में जितना भी कहीं ब्लड पूल है वो सब हार्ट को मिले और ब्रेन की परफ्यूजन कायम हो जाए. ये है नॉरएड्रेनालिन का काम. थोड़ा बहुत प्रेशर आना शुरू हो गया और नॉरएड्रेनालिन को कुछ घंटों से ज़्यादा अमूमन नहीं देते हैं. जैसे ही आपको प्रेशर मिलना शुरू हो गया, 50-60 सिस्टोलिक आना शुरू हो गया, अब तो अब डोपामीन है. डोपामीन क्या है, आइनोट्रोप है और वेजोकोस्ट्रिक्टर. आइनोट्रोप भी है और वेजोकोस्ट्रिक्टर भी है, तो दोनों मैकेनिज्म से आप काम करें. इतना ज़्यादा पोटेंट वेजोकोस्ट्रिक्टर नहीं है जितना नॉरएड्रेनालिन थी, उससे थोड़ा कम, लेकिन साथ साथ एडिशनल बेनिफिट आइनोट्रोप हो गया कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को भी बढ़ा रहा है विद वेजोकोस्ट्रिक्शन. तो आप दो चीज़ों से फायदा ले रहे हैं प्रेशर को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ा रहे हैं और वेस्कुलर रेजिस्टेंस को भी बढ़ा रहे हैं. अब पेशेंट ने प्रेशर इतना बनाना शुरू कर दिया कि आपके पास पेशेंट का यूरिन आना शुरू हो गया. दैट मींस प्रेशर अब उस तरफ जा रहा है कि अब परफ्यूजन शुरू हो गई. अब अगर आप डोपामीन को कंटिन्यू करते हैं तो एक्चुअली आप हार्ट फेलियर की कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट है स्टेबल हार्ट फेलियर के, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं. क्यों, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाए जा रहे हैं और आफ्टर लोड बढ़ा के रखा हुआ. भाई आप उस लिमिट से तो निकल आए थे जब आप पेशेंट शॉक या हाइपोटेंसिव था, अब मरीज ने परफ्यूजन बनानी शुरू कर दी, इतना सब कुछ हो गया कुल पूरे उस फॉर्मूले में कि पेशेंट ने परफ्यूजन शुरू कर दिए. तो अब क्या है, आपने ट्रीट करते रहे इसी अंदाज से तो वापस पेशेंट डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप कन्वेंशनल हार्ट फेलियर को एग्रीवेट कर रहे हैं. फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, टैकीकार्डिया, भैया आप कन्वेंशनल हार्ट फेलियर कैसे ट्रीट करते हैं, बीटा ब्लॉकर से और पेरिफेरल वैसोडायलेटर से, कि आफ्टर लोड रिड्यूस करते हैं, प्री लोड रिड्यूस करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और सिंपैथेटिक रिएक्टिविटी को कम करते हैं. और यहाँ आपको क्यों यूज करनी पड़ी, क्योंकि बिल्कुल पेशेंट एक दूसरी एक्सट्रीमिटी पे चला गया था शॉक में. तो शॉक स्टेट में जो हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट शुरू आप कर रहे होते हैं वो कन्वेंशनल हार्ट फेलियर के बिल्कुल उल्टी ट्रीटमेंट है, क्योंकि मजबूरी है, परफ्यूजन बनानी है. जब ब्लड ही नहीं होगा, परफ्यूजन नहीं होगी तो जिंदगी नहीं है. लेकिन एक बार जैसे ही आप उस फेस से निकल आए तो अब आपने ये फैसला करना होता है कि अब मैं क्या करूं. तो डोब्यूटामिन क्या है, वो एक इंटरमीडिएट स्टेट की ड्रग है, वो आइनोट्रोप भी है और पेरिफेरल वेजोडायलेटर भी है. तो आपने क्या किया, एक दवा ऐसी रखी जो दिल को तो ताकत दे रही हो लेकिन आफ्टर लोड रिड्यूस करना शुरू करे. बढ़ाई नहीं, बढ़ाने वाली डोपामीन थी, डोपामीन हमने हटा दी, अब डोब्यूटामिन एंटर कर दी ताकि हम ये जज कर सकें कि अब हम थोड़ा सा आफ्टर लोड को रिड्यूस करके जरा चेक करें कि ये हार्ट उसको कोप कर रहा है या नहीं कर रहा है, और साथ साथ थोड़ा सा पावर भी दी हार्ट को. और इसमें अगर हार्ट चलता रहता है तो इसका मतलब है अब आपने उसको हार्ट को ही फायदा दिया कि आफ्टर लोड रिड्यूस किया तो ये प्रेशर और बढ़ेगा, अगर आप पॉजिटिव ट्रेंड्स की तरफ चल पड़े. और फिर डोपामीन पे आप कुछ देर मरीज को रख के फिर आहिस्ते आहिस्ते डोब्यूटामिन पे कुछ देर रख के आहिस्ते आहिस्ते वीन ऑफ करते जाएं. इसमें कभी कभार डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक स्टेटस,
यानी एक हैबिचुअल स्टेज डी सी का फेलियर है, कभी कभी दो दो तीन दिन लग जाते हैं इस पूरे सीक्वेंस में। लेकिन इसमें गलती लोग क्या करते हैं कि जब पॉजिटिव ट्रेंड आना शुरू हुए तब भी कंटिन्यू रखा और सो गए आप, सुबह वो फिर शॉक में होगा। कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए ऑफ स्टेटस, वो अगेन कैपिलरी वेज प्रेशर बताता रहता है। और आप ऑक्सीजन के जब वो कर लेते हैं तो आप एग्जैक्ट कार्डियक आउटपुट भी बना सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट कितना चल रहा है। इस चार घंटे की ट्रीटमेंट के बाद कार्डियक आउटपुट मजीद बेहतर हो गया तो इसका मतलब है पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हैं, तो आप अब चीजों को वीन ऑफ करके दूसरी तरफ चल सकते हैं। लेकिन आपने किसी चीज को जज नहीं किया। हम क्या करते हैं, नॉरएड्रेनालिन लगी तो लगी हुई है, चली जा रही है, साथ उसके डोपामीन भी मिला दी, दोनों चल रही हैं, प्रेशर भी आ गया, मरीज बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, दोनों चल रही हैं। तो ये आप क्या रेसिपी फॉर फर्दर डिटेरेशन है। जहां पॉजिटिव ट्रेंड आ गए तो अब इससे, बल्कि कुछ बुक्स में या कुछ गाइडलाइन में ये भी है कि आप डोपामीन रिब्यूटामीन के कवर में थोड़ी बहुत एस इनहिबिटर भी शुरू कर सकते हैं। यानी आपने प्रेशर इतना बिल्ड कर लिया है, आइनोट्रोप आप दे रहे हैं, पेरिफेरल वेसोडायलेटेशन और बेहतर कर रहे हैं ताकि फेलियर की ट्रीटमेंट भी चल पड़े, और इसमें जब पेशेंट ने वो एस टॉलरेट करनी शुरू कर दी तो आपने डोपामीन को, या इस डोपामीन कवर में आप ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम पेशेंट का निकाल लिया। बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं हाइपरवोलेमिक, ये एडिमा भी, एसआईटीज भी और ये भी, तो आपने क्या किया, परफ्यूजन अच्छी रहेगी उसके कवर में ही डायरेक्टिक देके। ऐसे भी करते हैं लोग कि पेशेंट बाहर आ गया है शॉक से, लेकिन दो तीन दिन तक उसको डोपामीन कवर पे ही रखा ताकि डायरेसिस अच्छी हो जाए, और अपने एक्सेसिव डोजेस ऑफ डायरेटिक देके उसको ऑफलोड भी कर लिया। तो ये पूरा कार्डियोजेनिक शॉक की मैनेजमेंट टोटली क्या है, हर 15 मिनट टू हाफ एन आवर पेशेंट असेसमेंट, वो आपको फैसला कराएगी। और इवन कार्डियोजेनिक शॉक में भी कैटेगरी डिफरेंट है, एक एक्यूट एमआई के साथ शॉक कुछ और तरह का होता है, एक्यूट एरिथमिया के साथ शॉक कुछ और तरह का होता है, कि दोनों चीज़ें कॉन्कॉमिटेंट है, थोड़ा सा एलवी भी डाउन है, साथ एरिथमिया भी हो गया, उन तमाम चीज़ों में फेसेट्स देखने होते हैं कौन सा डोमिनेंट है ताकि उसको एड्रेस करें। अब जैसे मैं अपने पेशेंट की आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो पेशेंट आया, इस किस्म का मरीज हमारे यहाँ होता है तो क्या होता है, एक सीनियर डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ है ड्यूटी रूम में, बेचारा जूनियर आया, सर वो पेशेंट का बीपी 80-60 आ रहा है, आप क्या कहते हैं, जाओ डोपामीन लगा दो। उसने नर्स को बोला, नर्स ने डोपामीन लगाया, मुझे कोई डोपामीन का डोज बताएगा, डोपामीन का डोज आपको पता है कितना होता है, डोपामीन का डोज कितना, किस में कब कितना, फिर वापस लाने के लिए क्या करना है, कैसी स्टेट हो रही तो क्या करना है, जी क्या होती है, कितनी होती है, और ये इस नर्स को कौन गाइड करता है। हम तो सिर्फ एक यहाँ से फायर करते हैं डोपामीन, वो डोपामीन वहाँ से वहाँ लग जाती है, पता नहीं क्या डाइल्यूशन हुई, क्या रेट चल रहा है, उसको कौन अप टाइट्रेट कर रहा है, कौन डाउन टाइट्रेट कर रहा है, कुछ पता नहीं। वो नर्स भी, हेड नर्स किसको कहती है, अपने जूनियर छोटे को, वो पूछता है कैसे बनाऊं, ये इतना ये ले, इतना ये ले, इतना, जैसे वो माजून बनता है ना कि इस ड्रिप में इतना पानी निकाल दो, उसने भी देखा 400 है या 450 है, चलो यार चलेगा, उसमें ट्रिक करके इंजेक्शन एक डाला और यहाँ पे लगा दी, ये इतने ड्रॉप पे चल पड़े। सारी चीज़ें सीखने की और वो ट्रेनिंग में सीखने की, इन सब चीज़ों के इनसाइड आउटसाइड पूरा पता होना चाहिए कि क्या कंसेंट्रेशन बन रही है। जब भी आप कोई इन्फ्यूजन देते हैं, कोई भी इन्फ्यूजन, स्टार्टिंग फ्रॉम आइसोकेट, डोपामीन, ड्यूटामीन और कोई और आप एंटीरिथमिक, इमिड्रोन, लिग्नोकेन, सब चीज़ें, इन तमाम चीज़ों में आपको क्लियर पता होना चाहिए क्या डोज है जिस पे आपने देना है, उस डोज के लिए आपने क्या डाइल्यूशन बनाई है। डाइल्यूशन से क्या मुराद होता है, यानी कितना आपने वॉल्यूम दिया है और कितनी ड्रग ली है। आपका ये सल्यूशन, सल्यूट और सॉल्वेंट होता था ना, टोटल सल्यूशन की मकदार कितनी बनी, इसमें आपने कितना वॉल्यूम दिया है और कितनी ड्रग डाली है, और रेट इस पर डिपेंडेंट होता है।
डोज का आप पहले फैसला करते हैं, भाई मैंने इतनी डोज देनी, इतनी डोज डोपामिन की है माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, 3 to 5 रीनल है, 5 to 7 आइनोट्रोप इंटरमीडिएट है, फिर आप हाई पे 20, 30, 40 तक भी जाए, लेकिन जितना हाई जाएंगे टेकिकार्डिया ज़्यादा होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी बढ़ेगी। कोशिश ये होती है मॉडरेट डोजेजेस 10, 15, 20 से आप अपना काम कर लें, दैट इज माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। पेशेंट का वेट पता होना चाहिए, कितना वेट है, ताकि आप ये फैसला करें कि इसको मुझे इतने माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट देने हैं। ये आपके पास फ्लो चार्ट्स बने हुए होने चाहिए। फ्लो चार्ट्स किस तरह से कि डिफरेंट वेट पे 50, 55, 60 इनके सब बने हुए होने चाहिए। डाइल्यूशन आप फिक्स कर दें कि जब भी आपकी नट्स बनाए एक फिक्स डाइल्यूशन, फिक्स डाइल्यूशन 1:1 भी की जा सकती है, 1:2 भी की जा सकती है, लेकिन आपका अगर पेशेंट हाइपरवोलेमिक है तो कोशिश करते हैं कंसंट्रेटेड चीज़ें बनाए, तो फिर आप अपना जो आपका इन्फ्यूजन पंप होता है उसके ज़रिए से फिर चीज़ें जाती हैं कम कंसंट्रेटेड बना के, कि आप वॉल्यूम बहुत कम लेंगे क्योंकि और 4, 5, 6 और इन्फ्यूजन चल रहे होते हैं, अगर आपने लिबर्टी में वॉल्यूम लिया तो 1000 ml तो इसी तरह पूरा हो जाएगा, तो आपको कम से कम वॉल्यूम लेना पड़ेगा। और जब आप वॉल्यूम रखेंगे कम, यानी टोटल सॉल्यूशन कम बनेगा, तो रेट स्लो हो जाएगा बहुत, तो वो स्लो रेट फिर आप कन्वेंशनल ड्रिप से नहीं दे सकेंगे, इतना स्लो तो नहीं गिरेगा। या तो फिर आप चैम्बर लाएं, माइक्रो चैम्बर। माइक्रो ड्रॉप्स और मैक्रो ड्रॉप्स में क्या फर्क होता है पता है? माइक्रो ड्रॉप्स मैक्रो ड्रॉप्स में क्या फर्क है, दोनों के हिसाब से कितने ड्रॉप पर एमएल बनते हैं, ये सारी चीजें आपने नर्सेस पे क्यों छोड़ी हुई? एवरी इनसाइड आउट आपको हर चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट की देखें अल्टीमेटली मैनेजमेंट इन तमाम चीज़ों पे डिपेंडेंट है, कि ये सब चीज़ें सही चल रही हैं। और वो कब आएगा? जब आपको नॉलेज हो। करना आपका काम नहीं होता, लेकिन सुपरवाइज तो आपने करना है। यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग, कि आप जस्ट जज करके पिक कर लें चीज़ें सही चल रही हैं, नहीं तो आप गाइड करेंगे फिर। और यहाँ पे इन्फ्यूजन कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, क्या उनके पास फ्लो चार्ट्स हैं? मुझे अब ICU में तो बेहतर स्टाफ लगता है, उम्मीद है उनके पास होंगे, लेकिन पहले तो बड़ा हैपहैज़र्ड होता था। छोटे नर्स ने वो 3 कतरे बस पे रख दिया, कितना ड्रॉप है, क्या कुछ है, किसी को नहीं पता है। कभी कभार तो आके पूछना पड़ता था इन्फ्यूजन कितने पे बनाया हुआ है, कितना वॉल्यूम लिया है, क्योंकि रेट फिर आप कर ही नहीं सकते, और वो उस पे लिखना लाजमी होता है। आपको अपने ऑर्डर में आइडिया लिखना चाहिए कि भई ये आप इन्फ्यूजन डोपामिन 7 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, उसका डोज मेरे ख्याल 200 का होता है, एक 200 का होता है, एक 250 का होता है। 200 का डोपामिन 200 का होता है और डोपामिन 250 का होता है। अमूमन हम 1:1 का रखते हैं, जितना ml है उतने मिलीग्राम, नहीं तो आप डबल करेंगे तो उसमें थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा होता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल नहीं है तो डबल भी कर सकते हैं, कि 400 का वॉल्यूम ले लिया, 200 का तो 200 मिलीग्राम आप 400 में डाल दें, तो आपका 1 mg in 2 ml हो जाएगा। और 1:1 का रखना है तो 1 ml में 1 mg है, माइक्रोग्राम कुछ और होता है। 1 mg में कितने माइक्रोग्राम होते हैं? ये आप कैसे बनाएंगे डोज? 1000। 1 mg में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं, इसका मतलब है 200 mg इज 200,000 माइक्रोग्राम है टोटल। तो आपने वो 2000 माइक्रोग्राम कितने ml में डाल दिए? 200 ml में। अब आपको फैसला करना होगा कि पर ml कितने माइक्रोग्राम बन रहे हैं, और फिर पेशेंट का वेट क्या है, उस लिहाज से आप फैसला करेंगे कि इसको 1 मिनट में कितने माइक्रोग्राम्स देने। 7 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, 60 का है तो 60 × 7 420 उतने माइक्रोग्राम पर मिनट में जाने चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ml में कितने माइक्रोग्राम है वहाँ पर, ताकि आप उस लिहाज से फैसला करें कि मुझे कितने मिनट में कितने ml पे इसको रखना है। अगर 1 ml में फ़र्ज किया 220 हैं तो आपको 2 ml पर मिनट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको तो उस यानी कोरिलेशन ऐसी करनी पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए।
अगले राउंड के लिए एक नई चीज आ रही है टेक्सनेट में, जिस बंदे के पेशेंट पे कोई भी इन्फ्यूजन लगा हुआ उसको उसका पूरा पक्का बताना पड़ेगा ये जो इन्फ्यूजन चल रहा है इसमें क्या डोज है, क्या डाइल्यूशन है और किस रेट पे ये चल रहा है उस डोज के लिए। और जो FCPS वाले हैं इनको आप खुद मुझे कैलकुलेशंस बतानी है, डोपामिन की, डिब्यूटामिन की, आइसोकेट की और इम्यूड्रोन, चलो कर लो ये चार चीज़ें, तो आपका होमवर्क है कि आपको नेक्स्ट राउंड में मुझे बताना है कि ये किसी भी डाइल्यूशन पे आपने रखना है। मैं आपसे पूछूंगा कि 60 kg का आदमी है तो क्या रेट होना चाहिए, क्या फिर आप क्या डोज होना चाहिए और फिर क्या रेट रखेंगे पर मिनट। वो माइक्रो ड्रॉप और मैक्रो ड्रॉप ये होता है कि जो चैम्बर से आप देते हैं वो माइक्रो ड्रॉप्स होते हैं और जो आप ड्रिप से दे रहे होते हैं तो ये मैक्रो ड्रॉप्स होते हैं। मैक्रो ड्रॉप्स जो हैं ये 15 ड्रॉप्स 1 ml के बराबर होते हैं। अब तो आपके पास इन्फ्यूजन पंप होते हैं, आप डायरेक्ट उससे कनेक्ट किया और ml आपने फिट वो सेट कर दिए तो वो इन्फ्यूजन पंप खुद बखुद उस ml के हिसाब से ड्रॉप्स गिराएगा ऊपर। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अक्सर एक वो लॉक लगाते हैं, वो देखा है आपने डायल फ्लो, सॉरी डायल फ्लो में भी यही होता है कि वो एक पुअर मैंस इन्फ्यूजन पंप है, आपने ड्रिप के उसके साथ इसको बीच में कनेक्ट कर दिया और 1 ml पर मिनट पे रख दिया। लेकिन आपको इसको रीचेक करना चाहिए, ये कभी कभार ख़राब होते हैं। 50 ml से तो आप क्या करते हैं अपना कैलकुलेशन करके जिस पे वो सेट हो रहा हो, चाहे वो 2 पे हो रहा हो और वहाँ से 1 ml गिर रहा है तो यहाँ से आप उसको फिक्स कर रहे हैं, वो गड़बड़ होता है। तो आप किसी को 1 ml पर मिनट देना चाहते हैं तो ड्रिप से अगर जा रहा हो तो कितने 15 ड्रॉप्स गिरने चाहिए, आप 0.5 ml पर मिनट देना चाहते हैं तो 7 ड्रॉप गिरने चाहिए। सिमिलरली आपके जो चेंबर वाला है उसमें 60 ड्रॉप्स पर मिनट, तो अमूमन बड़ी ड्रिप में हम 7 यानी 0.5 ml कम से कम हमें पर मिनट देना पड़ता था, इससे ज्यादा स्लो आप उसको नहीं रख पाते थे। तो फिर ये कैलकुलेशन से आप रेट बनाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सही डाइल्यूशन बनी हो, सही डोज कैलकुलेट हुई हो और फिर वो डोज जिस अंदाज से कैलकुलेट हुई है उस हिसाब से क्या रेट बनना चाहिए, डाइल्यूशन के मुताबिक क्या रेट बनना चाहिए जिससे वो मरीज में जाएगा उसको चेक करना कि सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। और हमारे पास हाउस ऑफिसर्स कितने हैं अभी? 2 हाउस ऑफिसर्स हैं सिर्फ। और डिप कार्ड कितने हैं? ये डिप कार्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ FCPS के पास नहीं होना चाहिए, तो ये डिप कार्ड्स को भी इस पर करना पड़ेगा सारे इन्फ्यूजन्स का एक कैलकुलेशन। वैसे तो उसके जिम्मे तो लगेगा ही लगेगा जिस पे बैठ होगा, ऐसा ना हो कि उस वक्त बेचारे शौक के पेशेंट का भी वो निकाल के रख दिया राउंड खत्म हो तब लगा लेंगे और उस पर कैटेगोरिकली मेंशन होना चाहिए जो भी चीज़ आप कर दे रहे होते हैं, इन्फ्यूजन दे रहे होते हैं, कुछ भी है। ठीक, शॉक में देखें कोई भी इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, शॉक मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट ऑन असेसमेंट। अभी जैसे हमने बात की, अब जैसे मैं बताता हूँ 65 ईयर्स ओल्ड मैन नोन केस ऑफ LV डिसफंक्शन ड्यू टू IHD विद एक्यूट पल्मोनरी एडिमा एंड ब्लड प्रेशर 110/70 स्टार्टेड ऑन एंटी फेलियर ट्रीटमेंट 12 आवर्स ड्रॉप प्रेशर 80/60 इसको क्या करेंगे? ये ऐसा होता है ना आपके यहाँ अक्सर, आया पेशेंट आपने उस वक्त सही था प्रेशर सब कुछ दिया, ये थोड़ी देर बाद हाउस ऑफिसर आके बताया सर उसका प्रेशर 80/60 हो गया, अब क्या करें? डोपामिन लगा दो अल्लाह के वास्ते, एसिनेट बेटा बंद करो, बीटा ब्लॉकर बंद करो, नाइट्रेट चल रही है बंद करो, सिर्फ लेसिक्स रहने दो और जज करो ये पेशेंट किस तरह बिहेव करता है। कोई इमीडिएट डोपामिन की ज़रूरत नहीं है लो ब्लड प्रेशर पे। यहाँ तो ये सिनेरियो यही था ना कि आपने सारी एंटी फेलियर, इसका बैकग्राउंड पता ही नहीं था, पता नहीं कितनी लेता था दवा, लेता था नहीं लेता था, और कभी कभार ये हार्ट फेलियर के प्रेशर्स के बॉर्डरलाइन होते हैं, 110/100 रह रहे होते हैं, ज़रा सा आपने एक्सेसिव ट्रीटमेंट दी डाउन हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली ड्रग अफेक्ट होता है इनिशियली, तो आप जज करें वॉम है कोल्ड नहीं, हाँ थ्रेटनिंग लगता है प्री शॉक लगता है तो आप ड्यूबुटामिन लगा सकते हैं प्री शॉक वाली स्टेट में, पक्का पक्का शॉक लग रहा है तो डोपामिन लगा सकते हैं, प्रेशर जल्दी जल्दी ड्रॉप हो रहे हैं और पेशेंट इरिटेबल होता जा रहा है तो
नॉरएड्रेनालिन लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है और आपकी जजमेंट पे है टोटली कि आपने क्या चीज लगानी है क्या चीज नहीं लगानी है। और फिर जो चीज भी लगाएंगे उसको हर आधे घंटे बाद असेस करना है इसकी जरूरत है, ये भी की है। ये जितनी मैनेजमेंट है ये सारी एक्यूट वाली मैनेजमेंट है, वो कर्फ्यू लगते हैं ना जैसे फौज आ जाती है, तो ये तो थोड़ी देर के लिए फौज आ गई है, सब घर बंद सब कुछ बंद, लेकिन वो फौरन हालात देखते हैं, फौरन ठीक हुए 6 घंटे में चले जाते हैं हवाले वापस। तो ये मैनेजमेंट, शॉक मैनेजमेंट इज टोटली एन एक्यूट ट्रांजिएंट इमरजेंट मैनेजमेंट। इसमें ये जरूर देखना चाहिए कि बैकग्राउंड में स्कीमिया तो नहीं है, जैसे अभी हमने बात की ना आईएचडी का पेशेंट है ये वाला, वो वाला तो हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज का था, स्कीमिया का कोई निडस मिल रहा है तो दिस पेशेंट इज वेरी डेंजरस, इसकी रिवैस्कुलराइजेशन का सोचें, यानी ऐसे क्लूज ढूंढें जो आपको हेल्प आउट कर दे कि इसको आप एक्यूट रिवैस्कुलराइजेशन के लिए लेके जा सके। अच्छा, इसी पेशेंट का मैं बताता हूँ और मजीद कि क्या हुआ इसमें। देखिए मैंने दिया आपको, कहता है 65 ईयर्स मेल, नोन केस ऑफ एलबी डिसफंक्शन ड्यू टू आईएचडी विद एक्यूट पल्मोनरी एडिमा एंड 110/70, स्टार्टेड ऑन एंटी फेलियर ट्रीटमेंट, 12 आवर एडमिशन, ड्रॉप प्रेशर 12 घंटे बाद 80/60, ठीक है, असेसमेंट रिवील हार्ट रेट ऑफ 40 विद नॉर्मल रेस्ट ऑफ द इन्वेस्ट फाइंडिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने ब्लॉक या ब्रेडिकार्डिया डेवलप किया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ही अलग सिनेरियो हो गया कि आपने रिदम भी तो देखनी है मरीज की, यहाँ से बैठे बैठे डोपामीन नहीं लगवा देनी। लेकिन हमारे क्रिटिकल पेशेंट अमूमन मॉनिटर पर होते हैं तो रिदम पिक हो जाता है, लेकिन कभी कभार वार्ड में पेशेंट होता है जो मॉनिटर पे नहीं है, तो रिदम जरूर असेस करना है कि रिदम का क्या हाल है। और फाइनली जब भी शॉक डील करें तो इटियोलॉजी और एग्रीवेटिंग्स, ये दो जज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूर ये दो चीजें ही होती हैं जो आपको फाइनल डेफिनेटिव मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएंगे। तो कंक्लूड अगर हम करें तो जब भी कोई लो ब्लड प्रेशर मरीज मिलेगा तो आपको ये जज करना होगा कि ये शॉक है, यानी आपकी क्लिनिकल असेसमेंट पहला स्टेप ये है कि शॉक है या नहीं है। शॉक लग रहा है तो ये जज करना है कि कॉज क्या है, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, कार्डियोजेनिक, कार्डियोजेनिक में भी मल्टीपल चीज़ें हैं, रिदम स्टेटस क्या है, वेल फंक्शन क्या है, सारी चीज़ें। इसके मुताबिक फिर आपने जब जज करनी शुरू की इटियोलॉजी तो साथ साथ एग्रीवेटिंग, कि वो कौन सी चीज़ है जो प्री एग्जिस्टिंग ये पेशेंट स्टेबल था तो उसको अनस्टेबिलिटी में लेके गई है, और फिर अल्टीमेटली शॉक के बाद एक डेफिनेटिव मैनेजमेंट। तो ये तीन स्टेप में आपने पेशेंट को मैनेज करना होगा। कोई क्वेश्चन जहन में हो, एनी क्वेश्चन?